एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम एभले किछि नारा गुंजरित होउछि आपनको सीधा सड़क विजुअल देखैबु हनुमानगढ़ी जो ज्योति अखंड ज्योति राम ज्योति पदयात्रा जहाँ को कहउछन्ती गुजरात वडनगर रु आसीछि एवं उत्तर प्रदेश को सीधा सड़क आसीछि विजुअल आपनको देखैबु केते दिन यात्रा रहितला केमती आसीछि एवं लोकमानकर गहळी केते देखंतु ये चित्र आपन देखुछन्ती एवं अखंड अखंड ज्योतिर चित्र देखुछन्ती ये गुजरात रु आसीछि जो राम जन्मभूमि आपन देखुछन्ती जो गर्भगृह रे प्रभु श्री रामचंद्र विराजिबे तार ही गोटे मॉडल प्रस्तुत करा जाय छी गुजरात रु आसी छी ये एवं ये विजुअल आपण देखु चंती जे कोभली भाव रे अखंड ज्योति को वर्तमान पूजा करा जाउ छी जेहेतु गुजरात रु आसी छी एवं ता सहित गुजरात रु आसी छी एवं ता सहित ये भव्य रैली भव्य आंदोलन देखु चंती काहेकिना प्रभु श्री राम कर प्राण प्रतिष्ठा हवा पाई जाउ छी लोकंकर समर्पण रो भाव रो ये आपण देखु थे विजुअल ये देखुए लोक मानी कहीं प्रति गली कंदी रे वर्तमान भगवान श्री रामचंद्र जो प्रेम भगवान श्री रामचंद्र समर्पण ये तार कथा कहूँ सीधा साल किसी प्रतिक्रिया नवा किंतु जेहेतु वर्तमान आलती चली लोक मान खचाखच भिड़ रही कहीं जो आर्किटेक्ट बन आनी पदयात्रा केमती कर तार प्रतिक्रिया आमे नबा भाई साहब ये कहाँ से आया है और कहाँ तक जाएगी राम मंदिर में ये रखा जाएगा या फिर कहाँ जाएगा ये राम ये मॉडल है वो राम मंदिर में अर्पित कर दिया जाएगा और ये जो ज्योत है वो ज्योत मंदिर में देंगे जो ज्योत से ज्योत देके हम हमारी यात्रा खत्म करेंगे। हम ये ज्योत वडनगर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गांव है वहाँ अटकेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ से लेके आए हैं और 1400 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आज यहाँ पहुँचे और सभी पदयात्रियों में बहुत ही हर्ष और उल्लास है कि हमारे प्रधानमंत्री ही यहाँ मंदिर में आने वाले हैं और हम सब भी आज यहाँ पहुँचे हैं। पैदल चलकर आए थोड़ा कष्ट हुआ कि राम के लिए? अरे राम जी ने पूरा कष्ट ले लिया है हमारा, एक दिन एक आदमी भी बीमार नहीं हुआ है, नहीं हम ये 48 दिन हुए हैं, 48 दिन में एक दिन भी हम रुके नहीं है, पैदल कंटिन्यू 48 दिन चलते आए हैं। सर कितने लोग आप मिलकर गुजरात से सीधा सीधा यहाँ पर पहुँचे? हम गुजरात से 27 नवंबर के दिन 11 लोग पहुँचे, 11 लोग वहाँ से पैदल चले गए। अब कैसा माहौल है इसको देखने के लिए? ये अखंड ज्योति कितने दिन? अखंड ज्योति को लेके पूरे रास्ते में बहुत लोगों ने हमको साथ दिया है, हमारा ज्योति का सबका स्वागत किया है, रथ का स्वागत किया है, पूरा देश राममय है और हमें बहुत खुशी है। तो 48 दिनों के बाद आज हम राम के अयोध्या 48 दिन लगे ये 48 दिन लगे आओ कि प्रतिक्रिया नवा भाई साहब ये 48 दिन आपको लग गया चलकर पैदल आप आए अयोध्या नगरी तक, अब क्या अपेक्षा है, लोगों की कितना रिएक्शन अच्छा रहा? बहुत अच्छा सभी सनातनी धर्म की ये जीत है, हमारा राम मंदिर श्री नरेंद्र मोदी की मना रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत हमें रास्ते में बहुत प्यार मिला, बहुत सनातनी भाइयों ने हमारा स्वागत किया अच्छा था, बहुत लोग थे हमारे और अभी भी हमारे साथ में बहुत अच्छे काफी संख्या लोगों में सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ यहाँ तक भी आए हैं और रास्ते में हमें यूपी में हजारों की संख्या में लोगों ने बहुत प्यार दिया है। ये जो मंदिर बनाया ये जो कुछ ऐसा जो बनाया किसने बनाया और क्या भाव? हमने अहमदाबाद बनवाया था कि रास्ते में जितने भी लोग हैं जो भी गांव आते हैं सबको मालूम पड़ेगा राम मंदिर ऐसा ही बना है, ये मॉडल इसलिए बनाया था कि सबको मालूम पड़े और हमारे साथ वडनगर के बाद राजस्थान से 60 लोग जुड़े हैं, ये सब दोस्त हरियाणा के हैं और सभी लोग पैदल है, अभी 24 लोग पैदल है। सेम टू सेम है जो राम मंदिर है? सेम टू सेम। ये देखुं एवं कैमरा पर्सन सुमंत आपको विजुअल देखेबे ये भव्य रैली वर्तमान सीधा सीधा गुजरात रु आसी अयोध्या नगरी पर्यंत पहुंची लोक मान उत्साह देखुबे जे जो रैली को वर्तमान केमती सुरक्षा दृष्टि रखा जाय परबे एवं ता सहित लोक माने फूल पकई नारा पकई वर्तमान स्वागत करुछंती ये विजुअल आमे कैद करुछु कैमेरा रे लोक मान को ये उत्साह दउची अन्य लोक माने जो माने आसीछंती से माने मध्ये टिके रही जाय कि वर्तमान दर्शन करुछंती एवं सबु जागा रु आपण अनुमान करि परथुबे आमे
प्रतिदिन किछ ना किछ खबर दउछु जे को भली भाबरे लोकमानकर समर्पण भाव रहिछि। सर कैसा लग रहा है माहौल अयोध्या की? अब अभूतपूर्व महोत्सव, महा महोत्सव। आप कहाँ से आए? हम वडनगर से इसी यात्रा में आए हैं। जब 48 दिन लग गया पद यात्रा में, अब राम मंदिर का दर्शन होगा, प्रभु रामचंद्र के आप दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी दर्शन कर लिया, लोगों की कितनी पॉजिटिव रिएक्शन है? लोग पूरे देश में बहुत खुश हैं, बहुत हर्षोल्लास से इस उत्सव का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग भी संदेशों को फ्लो करते लोगों को बांटते आए हैं कि 22 तारीख को श्री राम ज्योत, जैसा कि हमने श्री राम ज्योत पदयात्रा का आयोजन किया है, उसी तरह से राम ज्योत घर हर घर में हर मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाए। बाबरे ये प्रतिक्रिया सुनुले लोक मानकर पाखापाखी 48 दिन पदयात्रा रही है और राम ज्योति पदयात्रा यार ना कहुची एवं जने गुजरात व्यक्ति आपको मॉडल बनई मॉडल वर्तमान लोक मान देखा आनी गुजरात रु सीधा सड़ख अयोध्या को ये पदयात्रा और अखंड ज्योति जात्रा विजुअल आम आपको देखा प्रथम हनुमानगढ़ी पहुंची और हनुमानगढ़ी रे समस्ते प्रभु हनुमान जी का दर्शन कर सारापर आशीर्वाद पाई सारापर वर्तमान सीधा सड़क ये राली वर्तमान अयोध्या नगरी को जीव एवं खास कर जो राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र पाखक जीव एवं सही जो तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट रही सदस्य मैंने मॉडल को दिया जिबो हैंडओवर करा जिबो एवं सबु लोकंकर गोटे ही कथा सबु लोकंकर गोटे ही उत्साह किए गुजरात रु आस किए कर्णाटक रु आस किए हरियाणा रु आसुची देश विश्वर कोण कोण रु लोक माने आसुचंती प्रभु रामचंद्र सेवा और समर्पण भाव आम बारंबार अयोध्या रु देखौछु। अयोध्या रु कैमरा पर्सन सुमन साहू के साथ स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।